फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ओक्लाहामा के जो है एक बहुत खूबसूरत जगह पर, और ये खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ के वाटरफॉल्स बहुत फेमस हैं, और यहाँ पर चूंकि ठंड शुरू हो गई तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं उनसे पत्तियाँ एकदम झड़ चुकी हैं मेरे पीछे, आप देख लीजिए। और थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत हुई थी वहाँ पर, आवाज़ ज़्यादा थी तो उस वजह से मैंने वॉइस ऊपर से डाली है। और अब आप ये पीछे देखिए कि कितना जो है पेड़ों का जो है सुंदर रूप जो है वो इस तरह से अब हो चुका है। पेड़ बिल्कुल एकदम जैसे कि हॉन्टेड प्लेस पे दिखता है वैसे ही आपको दिख रहे होंगे पेड़ यहाँ के। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि ठंड आते ही सारे पेड़ इस तरह से गंजे हो जाते हैं। और बाकी ये यहाँ का हिडन जेम है। जनरली लोग बहुत फेमस जगहों पर जाते हैं, लेकिन मैं थोड़े हिडन जेम्स भी ढूंढती हूँ, जैसे कि बहुत पॉपुलर जगह नहीं होती है लेकिन सुंदरता उनमें बहुत कुछ ज़्यादा होती है। तो ऐसा ही है ये। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं झरना, तो ये लिटिल नाइग्रा फॉल के नाम से फेमस है। और यहाँ पर लोग उतना ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं इस तरह की जो नेचर की ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करने ज़रूर जाती हूँ कहीं ना कहीं। तो और अच्छा भी है, नेचर से आप जुड़े रहते हैं, और मेरे जैसे जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो इस जगह पर आकर अलग ही आनंद लेते हैं। तो पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है आपको, एकदम साफ हरा पानी है एकदम। और उधर से जो नदी आ रही है उससे ये पानी जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन उधर का पानी देखिए येलो दिख रहा है। और ये प्लेस जो है यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आके आपको सब भूल जाता है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता, सिर्फ आप कुदरत की ब्यूटी में जो है वो खो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आप फ़ोन पर ऐसा फील कर पा रहे हैं देखने में कि नहीं, लेकिन लाइव यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड है काफ़ी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस प्लेस का जो है अलग ही जो है पानी की सिर्फ अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही है, बाकी कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, कोई दूसरी तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा है इस फॉल के अलावा। तो इसका भी एक अलग ही आनंद है। और अब मैं आपको ले चलूंगी इसके बाद में टर्नर फॉल्स में, ये भी ओक्लाहामा का एक बहुत मशहूर झरना है। देखिए खूबसूरत सा जो है वो टर्नर फॉल। और ये टर्नर फॉल जो है यहाँ पर आपको जो जितना छिछला पानी दिख रहा है, ये छिछला पानी जो है वो हर जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं, लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो करते हैं, बिकॉज यहाँ वार्निंग भी दी रहती है कि यहाँ पर वाटर के होल्स हैं जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं और बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ का स्विमिंग एरिया भी, यहाँ पे प्रॉपर लोग स्विमिंग करते हैं और अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। और मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं तो अपना दूर से खड़े होके ही यहाँ पे नज़ारे कुदरत के ले रही हूँ। तो एक तरफ तो देखिए पानी कितना उथला पानी है और कुछ भी डेंजर नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वाटर होल्स बने हैं, बड़े बड़े पानी के अंदर गड्ढे बने हुए हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा गहराई है कि कुओं की गहराई भी कम पड़ जाती है। तो वहाँ पर लोग ट्रैप होके, हमारे कई इंडियंस भी यहाँ पर, उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये न्यूज़ वगैरह आ चुकी है यहाँ पर। तो ये आप खूबसूरत नज़ारा देखिए टर्नर फॉल का। और ये जो है इस तरह के वाटरफॉल बहुत सारे होते हैं, और ये देखिए टूरिस्ट यहाँ पर आके अपना एंजॉय कर रहे हैं। कोरोना का टाइम है तो बहुत ज़्यादा तो लोग नहीं हैं यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेस्टिनेशंस घूमने के लिए, और लोगों ने अब जाना वाना शुरू कर दिया है, तो इस तरह की जगह पर लोग कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। बाकी मुझे पसंद है तो मैं अपना घूमने फिरने का इधर उधर जो है वो प्रोग्राम बनाती रहती हूँ, लेकिन सावधानी के साथ, कि कोरोना में दोनों चीज़ें देखनी है, सावधानी भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा टर्नर फॉल के पास आके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा क्लोज़र व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से ब्यूटीफुली डिवाइड होते हुए झरना बह रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर ये जो आपको झरना जहाँ गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बहुत गहरा होल है पानी का, और जिसमें कुएँ की गहराई के बराबर भी बहुत गहराई का पानी है, और यहीं पर कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है लापरवाही के चलते। तो
थोड़ा सा सुनने में मुझे भी डेंजरस लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुदरत की खूबसूरती को दूर से ही देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज ज़्यादा जाने पर कभी कभी खतरा भी आ जाता है, तो वही है। और बाकी ये देखिए दूर ऊपर लोग जो है वो ट्रैकिंग कर रहे हैं, और वो जो हाइकिंग करते हैं तो वो देखिए ऊपर लोग हाई कर रहे हैं, और चूंकि भाई मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है इस तरह से ऊंचाई पर चढ़ने की, तो मैं तो नहीं चढ़ी, तो मैं तो अपना डरपोक टाइप की हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टंट नहीं करती, एडवेंचर नहीं करती, और ना ही मैं पानी के पास जाती हूँ, बिकॉज मुझे पानी का फोबिया है, मुझे पानी में जाने से डर लगता है, इसीलिए मैं दूर से ही अपना इसको देख रही हूँ। और मैंने जब से ये सब घटनाएं सुनी है यहाँ की, तो तब तो से सबसे तो मैं बिल्कुल ही यहाँ से इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियंस आते हैं और काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। तो अब ये देखिए इसकी नदी जो है वो अपना बह रही है आराम से, और नेचर की खूबसूरती का मैं भी आनंद ले रही हूँ, और ठंड भी है, लेकिन चूँकि आज सूरज निकला है और दिन अच्छा है, खूबसूरत है, तो अपना जो है वो इसको कर रही हूँ। और बाकी ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और बाकी वॉइस की इनकन्वीनियंस के लिए आई एम सॉरी, और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, थैंक यू सो मच।